नमस्कार। सो जैसा कि हम जानते ही हैं, काउंसलिंग डिले होती जा रही है और आज 29 दिसंबर 2021 हो चुका है। और शायद मैंने आप लोगों को ही महीना पहले बता दिया था, जब वो 6 जनवरी का नोटिफिकेशन आया था कि ठीक है, स्टेट्स रजिस्ट्रेशन ओपन कर सकते हैं लेकिन वो चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे। फिर बीच में आया कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गई है स्टेट काउंसलिंग से, और उसके हिसाब से लॉजिकली यही कहते हैं कि नाउ स्टेट्स कैन स्टार्ट। क्योंकि पहले देखिए, मैं ये समझाता था सबको कि स्टेट्स को फॉलो करना था एमसीसी काउंसलिंग को, क्योंकि एमसीसी काउंसलिंग के राउंड टू के बाद स्टेट 15% ऑल इंडिया कोटा की बची हुई सीटें स्टेट्स को वापस मिलती थी। अब जब वापस मिलनी नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि अब एमसीसी वैसे ही काउंसलिंग कर रहा है जैसे कि हरियाणा, पंजाब, यूपी सेपरेट है। तो जैसे कहते हैं कि इंडिया में 28 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज की काउंसलिंग होती थी, तो 29th हो गया एमसीसी, जिसमें हमें मालूम है कि एग्जैक्ट इतनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के सारी सीट्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के सारी सीट्स हैं, एम्स, बीएचयू वगैरह, और जो स्टेट कोटा से भी 15-15 सीटें मिली है वो मिल रही है, और पूरे 4 राउंड चलेंगे, शायद लास्ट तक चलेगा, और आपस में इनका कोई रिलेशन अब नहीं बच गया जो पहले होता था। तो ये आप भी ध्यान रखिएगा कि जब जब भी एक्चुअल काउंसलिंग स्टार्ट होगी, अब मैं कहूंगा थिंग्स वुड बी फार मोर कॉम्प्लिकेटेड। पहले शायद आसान था, हम देख लेते थे कि वहां पर क्या चल रहा है। अब तो मेरी गट फील है कि जब एमसीसी स्टार्ट होगा तो स्टेट की काउंसलिंग अब उसके राउंड खत्म होने का वेट नहीं करेंगी, इमिजिएटली या 2-4 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी। सो नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन कि अगर जब इंडिपेंडेंट हो ही गया है तो अभी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जब इंडिपेंडेंट है तो हरियाणा कह लीजिए या कर्नाटका कह लीजिए, अपने बाकी स्टेट कोटा की 85% की एमपी में से सीटें भर ले, उसे क्या दिक्कत है जब उसका अब लेना देना नहीं रह गया है सेंट्रल से। सच बताओ, इसका कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो रिजर्वेशन है, सब कुछ है, केस अलग चल रहा है। जब से ऑल इंडिया कोटा सेपरेट हो गया है, कोई भी स्टेट चाहे वो अपनी स्टेट कोटा की सीटें भर सकता है, और तभी शायद अरुणाचल और आसाम ने, खैर उन्होंने भर तो ली थी रिजल्ट आने से पहले, लेकिन अब उनकी वो जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल ठीक हो गई है क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट है। एकमात्र लॉजिक देखिए यही है कि वही जो टॉपर बच्चे हैं पर्टिकुलर स्टेट के, जो कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू दूसरी जगह चले जाते हैं, वो अगर अपने स्टेट में एडमिशन ले लेंगे और बाद में सीट छोड़ेंगे। और मुझे बस वही डाउट हो रहा है कि जो एकमात्र लॉजिक बच रहा है कि स्टेट्स ये सोच रहे हैं कि हमने काउंसलिंग स्टार्ट की, हमने राउंड 1 में सीट दी किसी को, ऑफकोर्स राउंड 2 में अपग्रेडेशन की पॉसिबिलिटी होती है। वही वही बच्चा अगर ऑल इंडिया कोटा में किसी दूसरे स्टेट में चला गया, बिकॉज हर का सपना होता है एम्स दिल्ली आना या मौलाना आजाद आना या जो फेमस 20 टॉप 30 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया के, उसमें जाना, अच्छा जा ही सकता है। तो इस उसको अपॉर्चुनिटी देने के लिए वो डिले कर रहे हैं। और शायद मैं यही कहूंगा कि अब सबको नजर, शायद ये भी नजर आ रहा है कि देखो यार, कॉलेज तो आपका तभी स्टार्ट होगा जब सारी काउंसलिंग हो जाएगी, तो स्टेट अगर अभी पहले करा भी लेता है और उसके बाद एमसीसी 10 दिन बाद शुरू होती है, वो जब उनके पास जो बच्चे आने हैं, क्योंकि देखिए जो हर स्टेट से भी तो 15% सीटें गई है ना, तो लेट से कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, कोई राजस्थान का सरकारी कॉलेज है या वेस्ट बंगाल का सरकारी कॉलेज है, 100 में से 85 अपनी भर ली। अब जो 15 उसकी जो ऑल इंडिया कोटा में सीटें गई हैं, वो पूरी इंडिया से बच्चे भी आने हैं और क्या पता सारे वेस्ट बंगाल के ही आए। जब वो आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तभी तो सेशन स्टार्ट होगा ना। ये तो है नहीं कि आप अपने स्टेट कोटा के बच्चों को पहले पढ़ा लोगे, नहीं ना। इसीलिए शायद असली वो कह रहे कि फिर जब तो सरदर्दी की जरूरत क्या है, आपने 85% सीटें लेके भर दी, राउंड 1 राउंड 2 कर दिया, उसके बाद पता चलता है फिर स्टेट जब स्टार्ट करते हैं तो अपने प्राइवेट कॉलेज की भी करते हैं, राइट। और प्राइवेट कॉलेजेस में वो ये भी उम्मीद करते हैं कि बाहर के बच्चे भी आएंगे कई स्टेट्स में, सो टू मच कॉम्प्लिकेशन। और अल्टीमेटली जब उनको मालूम ही है कि जब तक मेरे पास मेरी सारी सीट नहीं भर जाती, और किसी स्टेट में ऐसा भी नहीं होगा कि प्राइवेट कॉलेज अपने सेशन स्टार्ट कर ले और सरकारी नहीं करे क्योंकि 15% सीटें भी भरनी है, आप समझ रहे हो। तो सेशन तो एक स्टेट में, एक कॉलेजेस में, या वो पूरी इंडिया में मेडिकल का इकट्ठे ही स्टार्ट होना है, और चूंकि वो सेशन इकट्ठे ही स्टार्ट होना है, आई थिंक दैट इज द ओनली लॉजिक, दैट इज द ओनली रीजन पहली कोई भी काउंसलिंग दूसरे से पहले स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि तो सबको मालूम है कि जब तक सारी काउंसलिंग इकट्ठे खत्म नहीं होगी तब तक हम अपने स्टेट की कॉलेज स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अल्टीमेटली जब होता है वो बिहार, यूपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कोई 4 दिन आगे कोई 4 दिन पीछे, क्योंकि
पर महीने का फर्क तो नहीं सकता ना। मैंने आपको समझा दिया अभी कि वो जो 15% मेरे पास स्टेट कॉलेजों में बच्चे आने हैं, जो मैंने ऑल इंडिया कोटा में सीटें दी हैं, वो तो पहले भरेंगी ना। वो अगर फरवरी में भरेंगी तो अपना सेशन तो मार्च में स्टार्ट करूँ, तो पहले करने का फायदा ही क्या है। और जो मुझे सब में नजर आ रहा है 10 जनवरी या शायद 16 जनवरी को भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो 16 मार्च मतलब एक जो एक डेट मैं आपको बोलूँ ना, तो अप्रैल फूल डे, 1 अप्रैल से पहले सेशन 2021 का स्टार्ट मुझे होता हुआ नहीं नजर आ रहा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। और तब तक मैं हमेशा जो हमारे टच में रहते हैं बच्चे, मैं कहते हूँ कि जिनका एडमिशन हो ही रहा है, अक्सर हो ही जाता है, प्राइवेट कॉलेज में जाने में तैयार है, तो अपने फर्स्ट ईयर की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कीप योर सेल्फ एंगेज एंड बिजी, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। धन्यवाद, बाय बाय।